हाय एवरीवन, स्वागत है आपका टेक्निकल एनालिसिस वर्ल्ड में। तो आज हम देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस ट्यूटोरियल में साफ इंडिकेटर, राइट, जिसका पूरा नाम मैं आपको बता देता हूँ, साफ ट्रेंड साइकिल, जो इनके फाउंडर है डग साफ, राइट। मिस्टर डग साफ को सबसे पहले शुक्रिया कि जिन्होंने ये इंडिकेटर ढूंढा। अभी वो कैसे यूज़ करते हैं वो हम देख लेते हैं, बट उससे पहले हमें देखना है उसके पैरामीटर। पैरामीटर ज़्यादातर फास्ट पीरियड 23, स्लो पीरियड 50, लेंथ 10, फैक्टर 0.50। मैं ऑलवेज कहता हूँ ये सब कैलकुलेशन क्या बनता है वैसे आपको गूगल से मिल जाएगा, पर हमारा काम है उसका यूज़ डेवलप करना, हमारा काम है उसे लुक्रेटिव वे में कैसे हम उसे यूज़ करते हैं वो फाइंड करना। राइट फ्रेंड्स, दीज आर द इंडिकेटर्स। उसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं बता देता हूँ, एक तो ओवरबॉट ओवरसोल्ड की लाइन आती है, राइट, वो आपको सिर्फ एक बार देख लेना है, जो मेरे में 70 और 30 है, राइट। बट ज़्यादातर क्या यूज़ होता है मैं बता देता हूँ आपको बाद में। तो सबसे पहले मैं ये जो इंडिकेटर है बहुत काम की चीज़ है, जिससे मुझे कुछ क्लूज मिले हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जो दो स्टॉक मुझे मिले हैं और कैसे उसको यूज़ करना है वो भी मैं आपको बता दूँगा। अभी रही सबसे इम्पोर्टेंट बात, तो ये इंडिकेटर को लीडिंग इंडिकेटर माना जाता है, यानी लैगिंग इंडिकेटर नहीं माना जाता है। तो अगर लैगिंग इंडिकेटर की बात आती है तो वन इंडिकेटर ऑलवेज कम्स इन अवर माइंड एंड इट इज़ वन एंड ओनली MACD। दोस्तों, कभी भी कोई इंडिकेटर एक्चुअली लैगिंग और लीडिंग नहीं होता है, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसका यूज़ कैसे बनाते हैं, हम उसे कैसे डेवलप करते हैं। और सबसे मुश्किल जो सबसे जो एक बड़ा प्रॉब्लम है, दिक्कत है, वो इंडिकेटर के साथ जो है वो हम यूज़ करते हैं, जो गलती हम करते हैं वो हमें नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे जब ऊपर यहाँ पे स्टिक हो जाता है ये इंडिकेटर, ये साइकिल, साफ ट्रेंड साइकिल, तो ओवरबॉट कहते हैं दोस्तों, और नीचे स्टिक हो जाता है उसे ओवरसोल्ड कहते हैं। वो मुझे पता नहीं है, पर मैं ओवरबॉट ओवरसोल्ड में पर्सनली बिलीव नहीं करता हूँ, और बहुत लोगों को भी एक्सपीरियंस हुआ होगा। अगर आपको एक्सपीरियंस है कि ओवरबॉट ओवरसोल्ड जैसा कुछ नहीं है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जिससे हम कई लोगों को बचा सकते हैं, राइट, जिसमें हमने पैसे गवाए हैं तो वो चीज़ उनके साथ ना हो, राइट। तो उनको एक्सपीरियंस लेने की ज़रूरत ना पड़े, पेमेंट पे करने की ज़रूरत ना पड़े, दैट्स व्हाई। तो रही बात अभी इसको यूज़ कैसे करना है, तो वो मैं आपको बताऊँगा विद द हेल्प ऑफ टू एग्जाम्पल्स। सबसे पहले ओके, तो बात आती है बजाज ऑटो और हीरो मोटो को, पर उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई पेड सॉफ्टवेयर नहीं है देन यू कैन गो ऑन ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू में हीरो मोटो को वीकली चार्ट, और हाँ दोस्तों, ट्रेडिंग व्यू पे टेक्निकल एनालिसिस वर्ल्ड को फॉलो करना मत भूलिएगा। तो अभी बात ये आती है कि ये इंडिकेटर आपको ट्रेडिंग व्यू में मिल सकता है कि नहीं। डेफिनेटली आपके लिए हम सब वर्क करते हैं और कंप्लीट करते हैं, तो यू जस्ट नीड टू टाइप STC, राइट। तो जैसे ही टाइप करोगे वो आपको मिल जाएगा, साफ ट्रेंड साइकिल। ओके फ्रेंड्स, बाकी आपको नीचे अलग अलग सब दिखेंगे और इंडिकेटर इसी नाम से। इसमें यहाँ पे डबल MA करके भी है, और उसके नीचे इसका उन लोगों ने स्कैनर भी बना के रखा हुआ है, दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा इंडिकेटर है, फिर उसके नीचे ट्रेंड साइकिल है, ये दूसरा इंडिकेटर है किसी ने बनाया है, तो वो दोनों वो भी एक बार देख लीजिएगा। फिर ट्रेंड साइकिल स्ट्रेटेजी, अलग अलग आपको 6 से 7 इंडिकेटर मिलेंगे, पर हमें जो चाहिए जो एज पर माई पेड सॉफ्टवेयर वो मुझे ये लग रहा है, बाकी के मैंने अभी फिलहाल एक्चुअली चेक नहीं किए हैं। फिर बात आती है वो आप भी एक बार देख लीजिएगा, और जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं बता दूँ कि साफ ट्रेंड साइकिल स्ट्रेटेजी, अगर आपको बैक टेस्टिंग करना है तो वो यहाँ से आप कर सकते हो। जैसे ही आप ऐड करते हो, देखिए दोस्तों नीचे यहाँ पे बैक टेस्टिंग दिखा रहा है, ओके, तो ये फीचर्स भी आप यूज़ कर सकते हो। पर रही बात इसको कैसे उन्होंने यूज़ किया है वो हमें नहीं पता है, पर हम कैसे करेंगे वो पहले देख लेते हैं, और विद द टू एग्जाम्पल्स, क्योंकि मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, मैं आपको उसे कैसे लुक्रेटिव वे में यूज़ कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। ऑलवेज याद रखिएगा, जब भी कोई स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो उसको कभी शॉर्ट नहीं करना है, उसको वीक होने देना पड़ेगा, राइट। स्ट्रेंथ लूज करता है, उसकी वेट करो, उसके बाद शॉर्ट करो। अभी मैंने बहुत 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ, या एक्चुअली 2-3 हफ्तों से देख रहा हूँ, कि ज़्यादातर लोग बैंक निफ्टी
शॉर्ट करते हैं, और बैंक अगर बैंक के स्टॉक्स कोई खरीदता है तो उसमें यस बैंक खरीदते हैं, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो जो शॉर्ट करता है वो बैंक निफ्टी शॉर्ट करते हैं, और अगर किसी को पता है कि बैंक के स्टॉक्स चलने वाले हैं तो उसमें सबसे दुख की बात ये है कि वो यस बैंक खरीदते हैं, राइट। तो ट्रेंड अभी आपको ये इंडिकेटर से पता चल जाएगा कि कौन से स्टॉक का ट्रेंड स्ट्रांग है और कौन से स्टॉक का ट्रेंड अभी स्ट्रांग से लूज साइड जा रहा है, स्ट्रेंथ उसकी लूज हो रही है, वो आप ये इंडिकेटर की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसके साथ प्राइस एक्शन के आपके पास जो भी टैलेंट है आप डाल सकते हो, जैसा कि मैं आज आपको कंबाइन करूंगा विद द ट्रेंड लाइन। सो ट्रेंड लाइन इज द ट्रेडिंग टूल एंड शार्प ट्रेंड साइकिल इज द इंडिकेटर। सो दिस कैन बी द वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर एंड द ट्रेडिंग टूल्स। ओके फ्रेंड्स, सो ट्रेडिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना और एक्शन डी एक्शन इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्राइस एक्शन मेथड, तो उससे आपको बेनिफिट रहेगा। दोस्तों ऑलवेज हमें ध्यान में रखना है कि हमें के इंडिकेटर से बाइंग सेलिंग नहीं करना है, हमें डिसीजन प्राइस एक्शन से लेना है। इंडिकेटर का जो यूज़ करेंगे वो हम करेंगे कि स्ट्रेंथ कितनी है या कोई स्टॉक कितनी ट्रेंड अभी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो रही है कि नहीं। जैसे ही आपको दिखे कि ये वीक हो चुका है तो हमें उस लेवल में एंटर होना। चलिए अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें देख लेते हैं। सो यू कैन ओपन द डेटा विंडो फ्रॉम दिस बटन, सो इट हैज बीन ओपन। एंड जैसे ही आप कर्सर रखोगे आपको एसटीसी की वैल्यू और सब आपको यहाँ से मिल जाएगा। अभी यहाँ पे जो ये ओवरबॉट की लाइन है वो 75 है और यहाँ पे 25 है, तो ये स्टैंडर्ड है जो आप यूज कर सकते हो। कौन सा पैरामीटर रखना चाहिए और कौन सा नहीं रखना चाहिए, तो उसमें बहुत कसमकस होती है दोस्तों, राइट, कंफ्यूजन होती है। तो मैं ज़्यादातर जो वेल नोन होते हैं या जो डिफ़ॉल्ट यूज़ किए जाते हैं या फाउंडर जो है इंडिकेटर्स के वो जो ज़्यादा प्रीफर करते हैं वही इंडिकेटर के साथ जाना मैं पसंद करता हूँ। अभी बात आती है एसटीसी, तो नेक्स्ट वीक के लिए मुझे जो अच्छा लगा, अच्छा लगा उसका मतलब ये नहीं कि वो बढ़ेगा, गिरने के लिए जो अच्छा लगा उसमें एक है हीरो मोटो, देखते हैं दोस्तों। इसमें वीकली चार्ट में ये वीक 0195 पूरा ना है, उसको मैं हटा देता हूँ बाद में। प्राइस एक्शन बहुत सारे स्टॉक्स में ट्रेंड लाइन टूट रही है फॉर नेक्स्ट वीक 18 स्टॉक्स में। तो आउट ऑफ दोज 18 स्टॉक्स मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ दो स्टॉक्स लिए हैं, वन इज हीरो मोटोकॉर्प एंड सेकेंड इज बजाज ऑटो। ओके तो क्यों, वही क्योंकि मैंने यूज़ किया है प्राइस एक्शन एज वेल एज ट्रेंड लाइन। ये देखिए कितना बड़ा ट्रेंड उसका चल रहा था। ओके वो कितना बड़ा होना चाहिए उसको हम सेंटीमीटर इंच या उसको नापने की ज़रूरत नहीं है, पर यहाँ पे आपको क्लियर एक इंडिकेशन दिखेगा कि ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक हो चुका है, ब्रेक होने के बाद रिएक्शन दे चुका है। अभी जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो मैं बताना चाहूँगा, आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। चलिए डेटा विंडो अभी मैं हाइड कर देता हूँ ताकि हमें और जगह मिले। तो वो ये है कि ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हो चुकी है, एक्चुअली यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन के आसपास ही क्लोज था, पर यहाँ पे परफेक्ट यहाँ पे ब्रेक हो चुकी है एज वेल एज इट हैज टेकन द रिएक्शन। यानी आप कंपेयर करोगे लास्ट टू लाइन्स देन यू विल रियलाइज दिस इज द एक्शन and the small part you can consider as a reaction, right friends? So भले ही ये वीक में बढ़ा है तो कई लोग खुश भी होते हैं कि भाई मेरा प्राइस बढ़ा है हीरो मोटोकॉर्प का, मेरा प्राइस आ जाएगा, किसी ने यहाँ कहीं पे लिया होगा, डेफिनेटली आ भी सकता है, मैं मना नहीं करता हूँ, पर चांसेस जो है सेलर्स आर अग्रेसिव इन दिस काउंटर। और सेलिंग प्रेशर आपको कन्फर्म करना है तो चलिए देखते हैं। अभी कैंडल वाइज जाना पड़ेगा, तो ये कैंडल में ओपन है सेम है, नो देयर इज नो सेम। सो नाउ इन दिस कैंडल आर ओपन हाई सेम, यस ओपन एंड हाई आर सेम 3120। सो ये एक्शन कैंडल है वो भी बता रही है कि ये हफ्ते में जो सेलर से देवर अग्रेसिव देन बायर, क्योंकि मंडे सप्ताह जैसे स्टार्ट हुआ, राइट, वीक जैसे स्टार्ट हुआ उन्होंने शुरू कर दिया बेचना हीरो मोटो कॉर्प। और रही बात रिएक्शन की, तो वो ये वीक में ले चुका है। एक क्वेश्चन जो हमें बार बार पूछा जाता है कि मैं जो स्टॉक्स खरीदता हूँ वही क्यों नीचे जाता है, तो मैं आगे भी बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ, क्योंकि हम वही स्टॉक खरीदते हैं जो नीचे जाते हैं, इसीलिए वो हमारे साथ हमेशा होता रहेगा।
अभी हीरो मोटोकॉर्प ज़्यादातर लोग लेंगे पर बैंक के स्टॉक्स नहीं लेंगे, या जो स्टॉक बढ़ रहे हैं उसको नहीं लेते हैं, तो ये दिक्कत होती है। स्टॉक का पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंडिविजुअल ट्रेंड भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा, उसके साथ जाना पड़ेगा। निफ्टी इंडेक्स देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप स्टॉक स्पेसिफिक जाएं तो मेरे हिसाब से तो एडवाइजेबल है। ओके, तो अभी जो साफ इंडिकेटर की हेल्प लेंगे, सबसे पहले देखिए दोस्तों, हमने कोई डिसीजन इंडिकेटर से अभी नहीं लिया है, हम उसकी हेल्प लेंगे कि ये स्ट्रेंथ लूज हुआ है कि नहीं। हो सकता है कितनी भी मेहनत करो स्टॉप लॉस तो है ही अपने पास, और वो हो भी सकता है, देर इज़ नो गारंटी ऑफ द प्रॉफिट रिटर्न, राइट। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अभी बात ये आती है कि ट्रेंड लाइन हैज़ बिन ब्रोकन इन दिस कैंडल एंड आफ्टर दैट इट हैज़ टेकन द रिएक्शन। अभी ये जो लो है वो है 2787, आपको यहाँ डेटा विंडो में दिखेगा। ओके, और यहाँ पे ये लो है 2812। सो मैं ऑलवेज कहता हूँ कि व्हिच एवर इज लोअर, तो ये लो जो है वो लोअर है, सो इट इज 2787। बिलो दिस लो हम देख कह सकते हैं कि इसका नया डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है, राइट। दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज फ्रेंड्स, मेहनत कीजिए दोस्तों। सो ये लो है 2787। चलिए अभी मैं ब्रश पिक कर लेता हूँ, कोई बढ़िया कलर रखते हैं, थोड़ा कलरफुल लगे उसके लिए। तो ये लो है अपना, ठीक है। स्टॉप लॉस ऑलवेज रिएक्शन का है, ओके। सो वो क्या है, वो स्टॉप लॉस इसलिए कि ये ट्रेंड कब तक कंटिन्यू रहेगा। सो इट इज 2995 और लो ये है। अभी इसका क्या इम्पोर्टेंट है देख लेते हैं दोस्तों, इसका क्या हेल्प हम ले सकते हैं, कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त एसटीसी, आप मुझे हेल्प करें, तो वो हमें हेल्प कर रहा है। वो कह रहा है कि ये जो 75 के ऊपर जो ट्रैवल कर रहा था, जहाँ पे नो सेलिंग जोन है वहाँ पे शॉर्ट करना एडवाइजेबल नहीं है, ये हमें कह रहा है हमारा नया फ्रेंड एसटीसी। ओके, सो ये हो गया एसटीसी। अभी एक्चुअली ये जो इंडिकेटर है वो एक्चुअल हमारे एक स्टूडेंट है, उन्होंने मुझे रेकमेंड किया था कि ये देख सकते हो, इस पर स्टडी कर सकते हो, ये क्रेडिट उनको भी जाती है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इंडिकेटर यहाँ पे बहुत ही सॉलिड जोन में था। कई लोग यहाँ पे शॉर्ट करते हैं तो वो डेफिनेटली एडवाइजेबल नहीं है। अभी बात आती है शिकार, हम यहाँ पे शिकार करने जा रहे हैं, कई बार हमारा भी शिकार हो सकता है, इसीलिए हम स्टॉप लॉस रखते हैं। तो बात ये आती है कि ये कैंडल में आप देख सकते हो कि 75 के नीचे जा चुका है, उसके बाद यहाँ पे रिएक्शन भी ले चुका है, यानी स्ट्रेंथ जो है वो लूज हो चुकी है, राइट। रही बात ओवरसोल्ड एरिया की, तो वो 25 के नीचे जाने के लिए अभी फिलहाल तैयार है, एग्जिट 25 ही है। तो आपको ये लो नेक्स्ट वीक में ब्रेक होने पे डबल बेनिफिट मिलेगा, एक तो स्ट्रेंथ लूज हो चुकी है, यानी जो स्ट्रांग था वो लूज हो चुकी है, दूसरी बात अगर इसके नीचे एंटर होगा तो वो वीकनेस वाले एरिया में चला जाएगा, डाउन ट्रेंड में चला जाएगा, तो अच्छा खासा फॉल मिल सकता है, क्योंकि जब वो एंटर होगा 25 के नीचे तो नया शुरू ट्रेंड डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है, और अगर अच्छा लंबा 25 के नीचे सस्टेन हो गया तो अच्छा डाउन ट्रेंड भी हमें मिल सकता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, रिएक्शन रहता है, साथ में ये इंडिकेटर जो है वो ओवरबॉट जोन, या फिर लोग ओवरबॉट कहते हैं, या फिर ये वाले जो अपट्रेंड जोन है 75 के नीचे आता है और ऊपर प्राइस में रिएक्शन, राइट फ्रेंड्स। तो ये लो बहुत इंपॉर्टेंट है 2787, एंड द हाई ऑफ दिस रिएक्शन कैन इज 2995। ओके फ्रेंड्स, रही बात इसके स्टॉप लॉस डिवाइस की, तो वो तो सेम रहेगा हर वीडियो में, मैं सेम ही चीज़ कहता हूँ, पर वही मेरा बेस्ट एग्जिट पॉइंट है, मैं इंडिकेटर से एग्जिट लेना पसंद नहीं करता हूँ। ये लो के नीचे सेल जनरेट हो सकता है, ओके। उसके बाद एवरी वीक यू कैन रिवाइज द स्टॉप लॉस विद द हाई ऑफ प्रीवियस वीक कैंडल, और आप एक चीज़ कर सकते हो, वेट फॉर द ग्रीन कैंडल, ओके, टू चेंज द स्टॉप लॉस, राइट। तो जैसे ये गिरेगा आपको पता ही, ये तो रेड ही बनने वाली है, ओके, पर फिर भी मैं चेंज कर देता हूँ, ओके। तो ये सब रेड बनेगी, और इसके बाद जब भी आपको कोई ग्रीन कैंडल मिलती है तो उसका जो नया हाई है वो आपका बनेगा रिवर्स स्टॉप लॉस, राइट फ्रेंड्स। सो दिस वे यू कैन यूटिलाइज दिस इंडिकेटर। अभी बात आती है, सेम चीज़ आपको बजाज ऑटो में भी दिखेगी, तो ये आपके लिए मैं बजाज ऑटो जो है वो आपके लिए मैं बताना चाहूँगा, एक होमवर्क देना चाहूँगा। चलिए, तो बजाज ऑटो आप ही बता दीजिएगा, मैं बजाज ऑटो का चार्ट आपको सिर्फ दिखा देता हूँ।
ठीक है, बजाज ऑटो का जो भी होमवर्क है वो आप मुझे कमेंट में डाल दीजिएगा कि एज पर दिस हीरो मोटोकॉर्प इसका ऑपरेशन करके मुझे बताइएगा कि कौन से लेवल से इसमें डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है। इसमें प्लस पॉइंट ये है कि ऑलरेडी स्ट्रेंथ लूज कर चुका है एज वेल एज डाउन ट्रेंड एरिया में भी एंटर हो चुका है, तो ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, एजुकेशनल पर्पज़ है, ठीक है, जिससे आपको पता चले, नहीं दिखेंगे तो भी चलेगा, पर आपके पेपर में ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, पर उससे पहले निफ्टी बैंक निफ्टी देख लेते हैं एक बार। निफ्टी ऑलरेडी इट इज इन माय वॉच लिस्ट। अभी दोस्तों आप ही खुद बता दीजिएगा, चले बजाज ऑटो का कमेंट नहीं करेंगे चलेगा, सिर्फ निफ्टी में बता दीजिएगा कि ट्रेंड कौन सा है। लोग इसमें शॉर्ट कर करके पता नहीं रेजिस्टेंस के पास आते ही देखते हैं, पर ये एरिया में आप देखिए भले गिरा है पर वापस रिकवर हो चुका है। डेली चार्ट में देख लेते हैं, डेली चार्ट में ये एरिया में थोड़ा बहुत उसने छोड़ा था स्ट्रेंथ, राइट, और डेफिनेटली आज जो मैंने स्टडी बताया उसके हिसाब से ये लोग के नीचे सेल भी हुआ था, और मैं कहता हूँ स्टॉप लॉस रिवाइज करते जाए आप, राइट, तो ये लोग फिर ये ग्रीन कैंडल बनी तो उसका है आपका नया स्टॉप लॉस, तो ब्रेक इवन या प्राइस टू प्राइस कटा है। एक्चुअली ये लो के नीचे सेल था तो ये अपना स्टॉप लॉस था, पर ये कैंडल में हाई के ऊपर ओपन हुआ फिर उसने लो ब्रेक किया है, तो इन दिस केस अपना स्टॉप लॉस ये हाई की वजह ये हो। फिर सेल बनने के बाद वेट फॉर द ग्रीन कैंडल टू रिवाइज द स्टॉप लॉस, तो यहाँ पे नेक्स्ट डे ही आपको ग्रीन कैंडल मिल गई और आपका स्टॉप लॉस भी हो गया, तो इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है कि कम लॉस में हम निकलते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए अभी बैंक निफ्टी, इसमें कई लोगों ने शॉर्ट किया है, तुमको फायदा भी होगा, दूसरी बार ये गलती ना हो इसलिए। मैं यहां से पिक कर लेता हूँ बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में आपको क्लियर कर दिखेगा दोस्तों कि स्ट्रेंथ है, अभी इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, मीन्स पॉजिटिव साइड है, अभी शॉर्ट करने की बात कर रहा हूँ, लोग जो कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए, अभी एडवाइजेबल नहीं है, आपका ट्रेडिंग प्लान सपोर्ट करे तो कर सकते हैं। वीकली में भी आप देख सकते हो कि जब ये ऊपर के जोन में था तो अच्छा था, अभी मैंने सिर्फ आपको सिखाया कि कैसे स्ट्रेंथ लूज करे तो ट्रेड करना है, फिर जब वो स्ट्रेंथ में हो तब भी कैसे ट्रेड करना है, तो जब भी मुझे कोई एग्जाम्पल मिलेगा तो मैं इसका पार्ट टू जरूर बनाऊंगा, तो इससे आप पार्ट वन भी कन्फर्म कर सकते हो, कंसिडर कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, और रही बात यूएस की, तो वो देख लीजिए जो गलती, अभी यूएस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अभी कुछ स्ट्रेंथ वीकली चार्ट पे तो नहीं दिख रही है, उसके बावजूद भी बढ़ सकता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, पर हमारी आज की जो ट्रेडिंग प्लान है वो उसमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, बाकी इसमें और दो पार्ट बनेंगे तो जब उसका टाइम आएगा तब मैं आपको इसका वीडियो बना के दिखाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं, गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस।